शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में मुंबई से मौजूद हैं। शैलेंद्र, लगातार संजय राउत कैमरे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कंगना रनौत की, तो दो दिनों के बाद यानी कि 9 तारीख को वो पहुंचेंगे और अब तो उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान में नाराजगी, गुस्सा संजय राउत के इस बयान को लेकर लगातार बनी हुई है। जाहिर तौर पर जिस तरह के शब्दों का उपयोग कंगना रनौत के लिए किया है संजय राउत ने, अपने आप में बेहद निंदनीय है। और यही वजह है कि न्यूज़ नेशन की मुहिम का असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो न्यूज़ नेशन की मुहिम के साथ आज उतर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र में कर्णी सेना अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी हैं। सोलंकी जी, क्या किस तरह की तैयारी है कंगना को लेकर, जो बात कहेगी क्या मानते हैं उसे आप? देखो, जिस तरीके से कंगना को धमकी दी गई है, उसके बाद हमारे करणी सेना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब ने करणी सेना को अलर्ट किया है और 9 तारीख को कंगना रनौत तो मुंबई पहुंचने वाले हैं। तो करणी सेना पूरी टीम, महिलाओं की टीम और जेंट्स की टीम के साथ कंगना रनौत को पिकअप करने के लिए वहाँ एयरपोर्ट पहुँचेगी, उनको सुरक्षा देगी और एयरपोर्ट से उनको घर तक करणी सेना की जोड़ने की जिम्मेदारी रहेगी। संजय राउत से बार बार सवाल किया जा रहा है, बार बार न्यूज़ नेशन की टीम उनके पास पहुँचे, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, माफ़ी तक मांगने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। जिस तरह संजय राउत एक इतने बड़े लीडर होने के बाद एक महिला के ऊपर इतनी आपत्तिजनक जिस तरीके से शब्द का उपयोग किया है, उन्होंने हरामखोर तक कहा है, मुंबई में आने तक की धमकी दी गई है, इस शब्द पर कंगना संजय राउत को कंगना रनौत से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जिस तरह न्यूज़ नेशन मुहिम चला रखी है, उनको माफ़ी तो कैसे भी करके आगे आके मांगनी पड़ेगी उनको। जाहिर है जिस तरह की न्यूज़ नेशन की मुहिम चल रही है, तमाम जो लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और इसी सिलसिले में करणी सेना भी सड़कों पर उतर रही है और साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 9 तारीख को, जब 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई पहुंचेगी, उस दौरान करणी सेना की जो टीम होगी, महिला पुरुष की जो टीम होगी, वो एयरपोर्ट पर मौजूद होगी और खास तौर पर उन्हें पूरी तरह से एस्कॉर्ट करते हुए ले जाएगा। संजय राउत ही नहीं बल्कि शिवसेना की तो एक और नेता का नाम इस फेरिस में शामिल हो गया है जो विवादित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो नाम है प्रताप सरनाइक का। बता दें, शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने कंगना रनौत पर विवादित बयान दिया है। ये कहना है प्रताप सरनाइक का कि कंगना बीजेपी की कठपुतली है। शिवसेना ने कंगना को बीजेपी का एजेंट बताया है। साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि वाई प्लस सुरक्षा जिस तरह से कंगना को दी जा रही है उसको लेकर भी कहा है कि वाई प्लस सुरक्षा देकर मुंबई पुलिस का अपमान कर रही है सरकार। आप भी सुनिए क्या कहना है शिवसेना नेता का। जिसका महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, जिनका पाक व्याप्त कश्मीर पर भरोसा है, और वो अगर उसको अगर देशभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देती है और उसको वायु सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पक्ष और केंद्र सरकार महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर कमेंट्स करने वाले, उन जिनके ऊपर भरोसा नहीं ऐसे कहने वालों पे साथ दे रही है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पक्ष इस बारे में कुछ खुलासा करेगी, इसके बारे में कुछ बोलेगी कि मुंबई की पुलिस की कार्यक्षमता नहीं है, वो उनके ऊपर विश्वास नहीं है? तो मुझे इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर अविश्वास बताने वाली कंगना को वाई क्या कल झेड सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि वो भाजपा की पोपट है, जो पंछी है वो बोलती है उनके मुंह से, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। पर महाराष्ट्र द्रोही कंगना रनौत वाई सिक्योरिटी में घूमती है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए ये दुर्भाग्य स्थिति है और पूरे देश के लिए भी मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की स्थिति है।